बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के सदस्यों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। डोमरी पड़ाव स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अध्यापक अध्यापिकाओं ने आगामी 7 मार्च को होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के नारों से लिखे हुए तख्तियां लेकर लोगों से मतदान अवश्य करने की अपील की। 18 वर्ष से ऊपर के सभी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो तथा जाति, धर्म और क्षेत्र के ऊपर उठकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने मत का प्रयोग कर एक अच्छी सरकार चुनने हेतु जागरूक किया गया। उपप्रबंधक मुकुल पांडे ने सभी उपस्थित लोगों से अपील की कि सर्वप्रथम अपना वोट डालें, उसके बाद सारे काम करें। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में बाल विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहनलाल यादव, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विजय शंकर मिश्र, सपना सिंह, सोनिया त्रिपाठी, नीलम गुप्ता, अनीता पांडे, पीयूष दुबे, संतोष कुमार तिवारी सहित समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। आज किस तरह का ये रैली निकाली? ये असल बात हमारे वाराणसी में और भारत में बड़ी कमी है कि कुछ लोग मतदान नहीं करते हैं और घर में रहते हैं और जाते भी नहीं बूथ तक, तो उनको प्रेरित करने के लिए ये हमने एक प्रयास किया है बच्चों द्वारा। और ये रैली यहाँ से डुमरी से निकल कर और मुगल सराय तक जाके फिर वापस आएगी, ताकि उतने के बीच में सारे लोग जागरूक हों और अपने मतदान का सही प्रयोग करें, एक अच्छा प्रत्याशी और अच्छी सरकार देने का प्रयास करें। हमारा स्कूल में एक रैली निकला है जो कि मतदान के लिए एक रैली निकली है, और हम सभी ये प्रेरित करना चाहते हैं कि सभी कामों को छोड़कर पहले हम मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में अपना सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।